दादी, आप अभी तक सोई नहीं? बेटे अगर मैं सो जाऊंगी तो तुम्हारी आंखें कौन खोलेगा? क्या मतलब? अब ये कि अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा, तो फिर तो आप मुझे डांटना फौरन से बंद कर दे। बंद कर दूंगी डांटना भी, लेकिन आज मेरी बात को गौर से सुनो और उसको पल्लू में बांध दो। अगर आप फोन की बात करने वाली है ना, तो मैंने आपकी डांट की वजह से फोन काटा था। फोन की बात नहीं कर रही। फिर देखो माँ पारा, जिसे तुम बेगम साहिबा की मोहब्बत समझती हो ना, वो उनके दिल में छुपी तुम्हारे लिए हमदर्दी है और उसकी वजह भी मौजूद है, लेकिन हर एक के पास वो वजह नहीं होगी। सबके दिल में वो हमदर्दी नहीं होगी जिसे तुम मोहब्बत समझकर खुश होती हो। सब तो मुझसे मोहब्बत करते हैं दादी, आप किसकी बात कर रही हैं? बेटा घर में बहू आने वाली है, और तुमने देखा था ना बहू की अम्मी ने क्या कहा था? कहा था कि मैं घर की फर्द हूँ, फैमिली हूँ मैं। ऐसा अब्बू जी, अम्मी जी, सुहेल भैया सब ने कहा था। उनको ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो भाभी की अम्मी को। हाँ, क्योंकि भाभी की अम्मी को तुम्हारा रस्म करना अच्छा नहीं लगा था, वो तुम्हारी हैसियत से वाकिफ है। लेकिन दादी, और जिसका रस्म करना अच्छा नहीं लगा उसका घर आना जाना अच्छा लगेगा? दादी घर में भाभी आ रही है, उनकी अम्मी नहीं, और वो जो कुछ भी वो तो उनकी अम्मी को लगा था ना। और आपको पता, भाभी इतना खुश थी मुझसे कि मैंने उनके लिए शॉपिंग किया, बहुत खुश थी वो। जिस दिन सकीना घर की अच्छी सफाई करती है ना, उस दिन बेगम साहिबा बहुत खुश होती है। आप मेरी बराबरी सकीना से कर रही हैं? मैं सकीना के बराबर आने से ही रोक रही हूँ बेटा। तो दादी आपके वहम भी ना। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे अच्छा डांस करना नहीं आता। अरे भाई, तो जैसा डांस आता है वैसा कर लेना, मतलब तो खुशी मनाने से है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं डांस कर लूंगा खुश, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो अब आप अपनी अम्मा से शर्तें लगाएंगे। बिल्कुल, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको ये शर्त मंजूर है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों शराफत से ये दूध पियो और सो जाओ। अच्छा चलें ठीक है, फिर आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे डांस करना है ना, उसके लिए पार्टनर होना जरूरी है। तो क्या मसला है? मेरा बेटा इतना स्मार्ट है, बस स्टेज पे खड़े होकर एक आवाज लगाना, आसानी से पार्टनर मिल जाएगा। नहीं, जो पार्टनर मुझे आसानी से मिल जाएगी ना, मुझे वो नहीं चाहिए। ये हुई ना मेरे भाई वाली बात। मेरे भाई का कोई स्टैंडर्ड है, कोई मैयार है, ऐसे नहीं किसी भी लड़की पे। या राइट, मैयार व्यार कुछ नहीं है, दिमाग की खराबी है सारी। अब चलो ये दूध पियो और दोनों सो जाओ, सुबह बहुत काम है। मुझे नहीं पीना, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, ये पी के जाओ। मॉम वैसे इतनी थकी हुई है, उसके बावजूद भी लेकर आई है मॉम के लिए। अच्छा चलें ठीक है, सिर्फ मॉम के लिए। चीयर्स। छोटा बच्चा है वैसे, लेकिन मान जाता है, समझाओ तो। छोटा बच्चा ही तो है, तभी तो नहीं समझता, बल्कि अक्सर मुझे समझना पड़ती है। एनीवेज, कल हमारी तरफ से जो रस्म है उसके मौके पर मैंने हाजरा को भी यहीं बुलवा लिया, क्योंकि महापारा कह रही थी कि हाजरा नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों की रस्म एक साथ कर लेते हैं। वैसे बात तो ठीक है, पर अगर देखा जाए पहली दफ़ा उस लड़की ने अकलमंदी की बात की है। एक बात है, जब भाभी मुझे नजर आएंगी ना, मैं ज़रूर डांस करूँगा। ठीक है सनी जी, गुड नाइट, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू, ओके बाय। कितना खुश है ना माशाल्लाह। हाँ ओके, आई गॉट दिस। Try some of this. You try again. थोड़ा सा तो try कर लो यार, मैं नहीं पीऊंगा ये. It's good for you. पी लो. अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ रखता हूँ. Okay. इधर आओ. Try.
आइडिया। शाबाश शाबाश। किन सोचों में गुम हो? मैं सोच रही थी रायत के घर में आने से कितनी रौनक हो गई है ना माशाल्लाह। अब एक महीने के बाद ये चला जाएगा तो घर फिर से सूना सूना हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारी बहू आ जाएगी तो खूब पार्टीज करना। जी नहीं, मेरी बहू पार्टीज की बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। बहुत सीधी सादी बच्ची है, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहती थी। शैला हाजरा तो अच्छी बच्ची, लेकिन खालदा बेगम ने मुझे बहुत मायूस किया है। बहुत छोटी सोच है उनकी। जाने देना आप, अब खालदा बेगम थोड़ी ना हमारे घर आ रही है। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, हाजरा है तो उसे ये समझा देना कि इस घर की बड़ी बहू होने के नाते अपना दिल बड़ा रखे, महपारा हमारी बेटी है। लो भाई निकल आया चांद, वो भी सुबह ही सुबह। सुबह चांद नहीं निकलता, सूर्य निकलता है सकीना। वो तो बाकी दुनिया वालों के लिए निकलता है ना, लेकिन यहाँ के लिए तो चांद निकलता है, वो भी इसकी सूरत में। तुम्हारी जमान इतनी आग उगलती है कि उसमें खाना पका सकती हो। जा नाश्ता बना महापारा के लिए, वरना अभी भी क्लास ले लेंगी आकर। हाँ तो जाना ही पड़ेगा, जा रही हूँ मैडम का नाश्ता बनाने। ये आ गई मेरी बेटी। कल तो तुम सीधी चली गई थी घर। अम्मी जी आज कितनी सारी तैयारियां भी तो करनी थी ना। हाँ ये तो है, और आज तो तुमने खूब हल्ला गुल्ला करना है। कल भी मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही थी कि बस। आप देखिएगा आज भी लड़की वाले ना हमें देखते रह जाएंगे। जैसे कल हम सब देखते रह गए थे राइट। इसका मतलब मैं वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। मिस महापारा अगर आप माइंड ना करें तो मेरे लिए एक कप कॉफी का कहकर आ सकती हैं प्लीज। आप तुम बैठो नाश्ता करो, मैं सकीना से कह देती हूँ। क्यों ये इस घर की फर्द नहीं है क्या? मैं कोई काम नहीं कह सकता इसे, ऐसे होते हैं घर वाले। अम्मी जी मैं बोल के आ जाती हूँ, आपके लिए भी बोल दूँ? नहीं नहीं बेटा, बस तुम कहकर आ जाओ, फिर जल्दी से आकर नाश्ता करो, समझ आई? जी। उसके बाद तुमने जाना है फिर हाजरा के घर पे कुछ सामान देने के लिए। अब कौन सा सामान देना है भाभी के घर और वो भी इसके साथ? Come on, mom, no way. क्या मतलब है इस बात का? और ये no way, ये क्या होता है? फिर बहस शुरू हो गई। आप बस कर चुके हैं नाश्ता? हाँ। मॉम मुलाजमों को सर चढ़ाने का अंजाम कल देख चुके हैं आप लोग, और मैं बता रहा हूँ दोबारा वही गलती करिए, आप महापारों को उसी जगह पर रहने दें। राहित कैसी बातें कर रहे हो, कल तो तुम उसे सबके सामने इतना डिफेंड कर रहे थे और अब अचानक से ये बात कर रहे हो। देखिए अम्मी महापारा को आइंदा भाभी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये जो हल्ले गुल्ले की बातें आप कर रही हैं ना, आप इसे समझा दें कि मेहमानों के सामने ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुहेल भैया की शादी के लिए इतनी सारी तैयारियां की, मैं क्यों नहीं करूंगी हल्ला गुल्ला? क्योंकि मैंने कह दिया इसलिए। इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? राहत क्यों फजूल बातें कर रहे हो? अरे अपने सुहेल भैया की शादी के लिए उसने इतनी तैयारियां की हैं, हिस्सा कैसे नहीं लेगी भला? देखिए अम्मी मुझे जो सही लगा ना मैंने बता दिया, बाकी इस लड़की की मर्जी।
ये क्या बात हुई कि तुम मेहंदी में डांस नहीं कर सकती? तुमने वजह नहीं पूछी? पूछी थी ना, उन्होंने ऐसे आंखें दिखाकर कह दिया कि मैं कह रहा हूँ। चलो अब छोड़ो, तुम्हें भी तो ऐसे फिल्मी अकड़ू से एंग्री यंग मैन पसंद है ना। एंग्री यंग मैन पसंद है तो क्या मुझ पर हुक्म चलाएंगे वो? फिर अब क्या, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो मैं मेहंदी में भी नहीं जाऊंगी, कर ले खुद सब कुछ। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, राय भाई तो बहुत बुरे इंसान निकले, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। कितने जालिम निकले वो हैं? हाँ ना, देखो कैसे दो टोक मना कर दिया तुम्हें, जैसे तुम कोई गुलाम हो उनकी। नहीं उनका ये मतलब तो नहीं था। मतलब कुछ भी हो भाई, अगर वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखेंगे तो दिल से तो उतर ही जाएंगे ना तुम्हारे। अरे अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि वो कल मेरे लिए इतना लड़े, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ रहे थे, और किसे रिस्पेक्ट कहते। लेकिन तुम्हें डांस करने से तो मना कर दिया ना? हाँ वो तो कर दिया, लेकिन जालिम और बुरे ना वो बिल्कुल भी नहीं है, समझी तुम? अच्छे हैं वो। और ये वाला, ये बताओ। मम्मी मुझे नहीं पता। उफ़ो, ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, तो फिर आखिर क्या पता है तुम्हें? अम्मी इन सब का मुझे क्या पता होगा, ये सारे ख्वातीन के काम है, मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ ना, काफी नहीं है? सारे काम मैं बस अकेली करूँ, सब कुछ मैं डिसाइड करूँ, अगर आज मेरी फरी होती तो उसे बुलाए ना जो अपनी फैशन की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है, महापारा। कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही कहीं? इसी की वजह से नाराज होकर गई है, इतना सा मुंह निकल आया था, हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है। आप बुलाएं उसे, मैं समझाता हूँ। बल्कि सकीना नहीं है वो, पता करवाया था मैंने, अस्मा के घर जाकर बैठ गई है। राय दियार, हुक्म चलाने और अकड़ दिखाने के लिए तुम्हें महापारा ही मिली, बचपन की बात और थी, अब तुम बड़े हो गए हो यार। अरे सुहेल भाई मेरी तरफ ऐसे मत देखें, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर ऐसी बात ना होती तो वो दुल्हन के घर तुम्हारे साथ जाने के बजाय अस्मा के घर जाकर क्यों बैठ जाती भला? तो मुझे क्या पता, मैं उसका मैनेजर लगा। अच्छा लिसन, तुम अभी जाओ अस्मा के घर से, उसे पिक करो और ये सब देकर आओ, जाओ। वो वहां जाकर क्या करेगी अम्मी, आप चले ना मेरे साथ। क्या मतलब है तुम्हारा, ये हर छोटी बड़ी चीज दुल्हन के घर देने मैं जाऊंगी या नौकरों के हाथ भिजवाऊं, अच्छा लगता है कोई भला? तो अम्मी जिसे आप भेज रही हैं उसे देखकर उन्हें अच्छा लगेगा, वैसे भी नौकर समझते हैं उसे। उनके समझने से क्या होता है, और राय वैसे भी वो अकेली नहीं जा रही, तुम्हारे साथ जा रही, और तुम दूल्हा के भाई हो। अम्मी बस चुप कर जाओ, जाओ और ये दोनों चीजें वहां देकर, मैं फोन कर रही हूँ वहां जाके। तो ये कल नहीं लेकर जा सकते हम? मैंने मशवरा नहीं मांगा तुमसे राय, प्लीज अब मैं एक बात भी नहीं सुनूंगी, ले जाओ शाबाश, चलो। नहीं बस ये बात, लड़ना नहीं अब। ओके ये लड़का भी ना, मैं फोन कर दूं वहां पर। तुम्हारा भी ना कसम से जवाब नहीं, इतनी नाराज हो कि मेहंदी में नहीं जा रही, लेकिन बुराई नहीं सुनोगी अपने हीरो की? बुराई तो मैं अपने दुश्मनों की भी नहीं सुनती, उनसे तो बस फिर नाराजगी है ना। जी जी बिल्कुल मैं जानती हूँ, लेकिन तुम मेहंदी में नहीं आओगी तो मैं बोर हो जाऊंगी ना, एक काम करती हूँ मैं भी नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त शैला के पास होना चाहिए था ना बेटा, शादी का घर है, 100 तरह के काम होते हैं, और तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? जाओ जाकर कपड़े निकालो, भाई साहब की तरफ जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों आंटी आप मेहंदी में नहीं आएंगी? जाएंगी जी। बेटा इस तरह बोलते हैं आंटी आप मेहंदी में नहीं जाएंगी? हाँ मेरा वही मतलब था। जाएंगे बेटा, क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तो सारा दिन पड़ा हुआ है, और हम कोई फजल साहब के मुलाजिम तो हैं नहीं जो वक्त से पहले ही पहुँच कर अपनी ड्यूटियाँ निभाते हैं। वक्त से पहले मुलाजिम थोड़ी जाते, वक्त से पहले तो अपने जाते हैं आंटी। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, मुलाजिम तो वहीं रहते हैं ना घर में, तो तुम्हें भी इस वक्त वहीं होना चाहिए था। मामा अरे बेटा मैं तो ये बताने के लिए आई थी कि बाहर रायद आया हुआ है, गाड़ी में वेट कर रहा है इसका, और ये कामों से बचकर यहाँ बैठी हुई है। रायद बाहर गाड़ी में बैठे हुए और मैं यहाँ कब से बैठी हुई हूँ? मैं जा रही हूँ इसमें। ओके लाफ़िस। ओके आंटी लाफ़िस। मामा क्या हो गया है आपको,
क्या जताने की कोशिश कर रही थी आप उसे? ठीक ही तो कह रही थी मैं, तुम्हें हजार बार एक बात समझाइए कि तुम एक बड़े कॉलेज जाती हो, वहां जाकर अमीर लोगों की लड़कियों से दोस्ती करो, लेकिन तुम्हें तो शौक है ना हमारा सर झुकाने का। तुम्हें शैला की मुंशी की बेटी ही मिली थी दोस्ती करने के लिए। मामा प्लीज। क्या मामा, मामा की रट लगाई हुई है तुमने? कपड़े निकालो अपने। ये सामान अम्मी ने दिया है, भाभी के घर देना है। बड़ा एहसान किया है ना आकर, जो इतना गरूर से बैठे हैं। अच्छा ये जो सामान है ना, ये प्लीज एहतियात से हैंड ओवर कर देना। ओके अच्छा, प्लीज कोशिश करना कि वहां से जल्दी हम फारिग हो जाएं, मुझे और भी बहुत से काम है। सारी दुनिया की बातें कह सकते हैं, लेकिन एक वर्ड होता है सॉरी, वो नहीं बोला जाता इनसे। बड़े आए अमेरिका से पढ़कर। बेटा वो लोग आ गए हैं। कौन कौन आया? राइद है और मेरा ख्याल उसके साथ कोई और भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बेटा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी अम्मी नहीं आई? हाँ वो एक्चुअली आना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे उनके पाँव में चोट लग गई, तो वो कह रही थी कि मैं। अम्मी जी के पाँव में चोट लग गई? आपने मुझे बताया क्यों नहीं है? वो एक्चुअली आपको गाड़ी में खामोश रहना पसंद है ना, इसलिए। अम्मी जी के पाँव में चोट, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपने डॉक्टर को दिखाया? और अम्मी जी के पाँव में चोट लगी, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं? मैं बात कर लूं? बेटा तुम लोग तो आपस में झगड़ने लगे हो। अच्छा तुम लोग कुछ लो ना, अभी तक कुछ लिया ही नहीं। जी। अच्छा ये बताओ तुम अमेरिका में कितने साल रहे? आंटी मैं एक्चुअली 4 साल रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं 2 साल बाद आया। और पढ़ने के अलावा वहाँ क्या करते रहे हो? घमंड। क्या घमंड? यही कहा ना तुमने? जी भाभी, दरअसल पाकिस्तान में जैसे लार्ज साइज पिज्जा के साथ जंबो कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलती है ना, इस तरह अमेरिका में एजुकेशनल डिग्री के साथ ढेर सारा घमंड फ्री में मिलता है। और यहाँ पर लोगों को बिना डिग्री भी सब कुछ मिल जाता है। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसी की नहीं, चलते हैं बस। अरे कहाँ जा रहे हो, कुछ लिया भी नहीं तुमने? चाय मंगवा रही हूँ मैं, बैठो। अरे आंटी दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। एक्चुअली वो अम्मी घर पे इंतजार कर रही हैं, और प्लस आज रात की तैयारियां भी करनी है। तुम जिस काम के लिए आई थी वो कर लो, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू। हाँ भाभी, ये आपकी ज्वेलरी, आपकी मर्जी के स्टोन्स लग गए हैं और लॉक भी ठीक करवा दिया है। अम्मी जी ने कहा है कि आप चेक कर लें। ये वाली ज्वेलरी आप वलीमे के ड्रेस के साथ पहनेंगी, और ये वाली बारात के जोड़े के साथ। मैंने वलीमे में वहीं से तैयार होना, तो ये साथ ले जाओ। लेकिन भाभी ये वाली ज्वेलरी तो आपको कल पहननी होगी ना? मैं कल कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी कौन सी नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है मापारा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे फैशन सेंस पे चलूंगी? मेरी पसंद तुमसे बिल्कुल अलग है। जी जी। और जाओ, तुम्हारे साहब इंतजार कर रहे हैं। मालिक को इतना वेट नहीं करवाते, वरना झाड़ पड़ जाती है। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं।
ओ हेलो, रुको। क्या? ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे दो, मैं खुद अम्मी को दे दूंगा। थैंक यू, मैं खुद अम्मी जी को दे सकती हूँ। अच्छा, यानी तुम घर के अंदर जाओगी? क्यों, मेरा अंदर जाना मना है? नहीं, मना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुबह जिस तरह तुम अकड़ कर गई थी, मुझे लगा दोबारा नहीं आओगी। मैं अम्मी जी से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, यानी भरम खत्म? हाँ यार, कम से कम आज के दिन तो अपनी बात पर कायम रहना बनता था ना, सिर्फ आज के दिन। एटलीस्ट तुम्हारी डिसीजन पावर का भरम तो रह जाता, इज्जत रह जाती। थैंक यू। नहीं नहीं खालदा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे वो बस ऐसे ही, रायत तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है जी। भाई मेरे बेटे की शादी है तो भाग दौड़ में ऐसे ही जरा सा पैर मुड़ गया था, अब ठीक हूँ मैं। हाजरा से कहें वो बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? ये जो तुम्हारा भाई है ना, अरे झूठ बोलना था तो मुझे बताकर तो जाते कम से कम, बैठे बैठाए मुझे चोट लगवा दी। अच्छा, यानी आपने सच बोल दिया? नहीं, अब तुम्हें झूठा थोड़ी करती उनके सामने। तो यानी झूठ बोल दिया। Obviously, अब तुम्हारी बात भी तो रखनी थी मुझे। सुहेल भाई, ये ले। ओह, थैंक यू। एनी टाइम। सुबह जिस तरह तुम अकड़ कर गई थी, मुझे लगा दोबारा नहीं आओगी। यार कम ऑन, कम से कम आज के दिन तो अपनी बात पे कायम रहना बनता था ना, सिर्फ आज के दिन। एटलीस्ट तुम्हारी डिसीजन पावर का भरम तो रह जाता, इज्जत रह जाती। मां पारा जरा। अरे भाई, इसने गोड़ मारे, फोन को तो उठाओ, बजे जा रहा है। किसका फोन है? देखो, रहमत तो बात करना नहीं चाह रहा है कुछ। नहीं, अस्मा। क्या कह रही है, सुनो तो। मेहंदी में आने की जिद कर रही हूँ। अरे हाँ, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? मेहमान भी आना शुरू हो गए। मैं नहीं जा रही। नहीं जा रही? लेकिन क्यों? क्यों क्या, आप तो खुश हो जाएं। आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं वहां पर नहीं जाऊं। अरे भाई, शादी में जाने को थोड़ी रोकती हूँ, बेवक्त जाने को मना करती हूँ। अच्छा चलो, तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलना, मेरे साथ पीछे बैठना। मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है। सर में दर्द है? चलो, मैं तो इस्त्री करवाने आई थी। सकीना से कह देना, वो कर देगी। अरे वो मेरी नौकर थोड़ी है। मेरे भी तो करती है ना। तुम भी गलत करती हो, वो तुम्हारी भी नौकर नहीं। अच्छा लाए, मैं कर देती हूँ। छोड़ दो बेटा, मैं कुछ और पहन लूंगी। तुम्हारे सर में दर्द है, दवा दे दूं कोई? नहीं, आप जाए, मैं ठीक हूं। इसीलिए मना करती थी कि धूपो धूपो ना घूम, लेकिन नहीं, सहेली क्या भी जाना है, दुल्हन के पास भी जाना है। अच्छा खैर, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम परेशान मत होना। कौन सा हम रिश्तेदार हैं उनके जो उनको आखिर तक बैठे रहे। और हाँ, अगर सर में दर्द हो तो मुझे फोन कर देना। क्या बात है हाजरा, तुम्हारी सास तो इस एज में भी काफी अप टू डेट है। लगता है खूब कंपटीशन रहेगा तुम दोनों का। जो भी हो, लेकिन सोच वही है 19वीं सदी की। क्या मतलब है 19वीं सदी की सोच होती तो आज तुम यहाँ कैसे होती? भाई ये मेरी जिद थी कि दोनों फंक्शन कंबाइन किए जाए, और तुम जानती हो आई, एक बार जो मैं जिद ठान लूं तो फिर मैं अपनी जिद पूरी कर कर ही रहती हूँ।
अरे भाभी फिलहाल ये जिद छोड़ें और जाकर बैठ जाएं प्लीज। आपको पता अगर आप यहाँ भाई के इंतजार में खड़ी रहेंगी ना, बता रहा हूँ थक जाएंगी। पता है सुहेल भाई को रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। थैंक यू राइट, मगर मैं उनके साथ ही जाकर बैठूंगी। आई हैव टू वेट। ओके एज यू विश, कोई मसला नहीं। फिर एक काम करते हैं ना, हम मिलकर वेट करते हैं। तब तक आप मुझे बताएं कि आपको आज की अरेंजमेंट्स कैसे लगे हैं। ये थीम जो है ना, ये मैंने सेलेक्ट किया, काफी अच्छा है। लेकिन उससे अच्छा ये है कि तुम्हारी वो नौकरानी नजर नहीं आ रही, वरना मुझे तो लगा था कि कहीं इस्तकबाल के लिए भी तुम लोग उसे सामने ना खड़ा कर दो। कौन नौकरानी? महापारा, और कौन? चले राज भाई, सुहेल भैया को लेकर आने, वो आपको बुला रहे हैं। हाँ सब। करते इस मासूम का मुंह नहीं थकता। इस रौनक में इसकी अम्मी जी को कोई परवाही नहीं है कि इनकी बेटी जैसी है कहां। वो बेचारी इनके चक्कर में दौड़ धूप करते सर दर्दे बैठी, और ये यहां अपने ढोल गानों की आवाज भी धीमी नहीं करेंगी। अरे सुलेखा बीबी, अस्सलाम वालेकुम बड़ी बेगम। वालेकुम अस्सलाम। ये पुराना जोड़ा क्यों पहन लिया? वो जो मैंने सफ़ेद जोड़ा दिया था आज पहनने के लिए, नया वाला, वो क्यों नहीं पहना आपने? उस पर स्त्री नहीं हुई थी इसलिए नहीं पहना। अरे तो महापारा से करवा लेती ना। ये महापारा है कहाँ वैसे? महापारा आई नहीं, उसके सर में दर्द था बहुत। सर में दर्द था? हाँ। अच्छा चलें आप बैठे। आईना लगा हुआ है, खुद ही देख लो। आईना तो दोनों में तारीफ ही करेगा ना, आप सच कहेंगे? ये वाला की झील से गम जो है बह रहा, दर्द जो मिलना था मुझे बस वो मिल गया। अब यहाँ तभी छूटेगा जब आप हमारी डिमांड पूरी करेंगे। और डिमांड क्या है? हम 50,000 से एक रुपया भी कम नहीं लेंगे। अच्छा एक सेकंड सबर करें भाई, आपको पता भी है कि 50,000 में कितने जीरो होते हैं? जी बिल्कुल पता है। क्या मतलब है इस बात का?
हम लोगों का एक ड्रेस इससे ज्यादा महंगा आता है, क्यों? वैसे यार बड़े अफसोस की बात है, फिर भी आप हमसे पैसे मांग रही हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? हाजरा, तुम्हारा देवर मुझे बहुत ही कंजूस लग रहा है वो। अरे यार हाजरा भाभी, आपकी ये जो कजन है ना, अच्छा चले छोड़े यार, क्या याद करेंगी, सोहेल भाई जरा जलवा तो दिखाए ना हमारी कंजूसी का। हाँ हाँ दिखाए ना, बताए तो सही। ये ले 50,000 रुपए और ये ले एक और 50,000 रुपए, 50 की जगह 1,00,000। चेक करें आप, है? ओ भाई शोर मचाओ, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? माहीन अब तो उंगली छोड़ दो, अब तो पैसे मिल गए। हाँ भाई हाँ छोड़ दे, कोई मसला नहीं, हो जाता है कभी कभार। अच्छा ये सारी बातें छोड़े, मिठाई तो खिलाएं सोहेल भाई को, पैसे मिल गए सब भूल गई आप। हाँ शोर मचाओ ना भाई, क्या हो गया? ये जरूरी तो नहीं है कि रायत की वजह से ना आई हो सकता है कि उसके सर में दर्द हो। कोई सर में दर्द नहीं था, सकीना गई थी देखने, कह रही थी आराम से बैठी हुई टीवी देख रही है। अच्छा भाई, खुशी का मौका है, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, मैं खुद जाकर देखता हूँ उससे। नहीं, एक सेकंड, क्या वाकई आप उसे लेने जाएंगे? हाँ बेटा। नहीं क्या हो गया आपको मॉम, आप मुझे नंबर दे, मैं बात करता हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे और कोई नंबर नंबर नहीं है मेरे पास। मॉम कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग? बेटा ऐसा नहीं कहते, उसे दुख होगा ना तो तुम्हारी माँ का भी दिल दुखेगा। तो फिर क्या करूँ मैं अब? बल्कि एक काम करते हैं, मॉम की खुशी की खातिर ना मैं घर के सारे सर्वेंट से जाकर माफी मांगता हूँ, फिर सब सेट हो जाएगा। अरे राय देखा आप साहब जी, ऑफिस से कुछ लोग आए हैं। रोग मेरा बढ़ता जाए, कोई तो संभाले ना, राहत मिले अब हमको दिल के दहकने में। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। ये क्या तमाशा है? हमारा सर दर्द में कोई इतना वॉल्यूम बढ़ाता है? आपकी दीवार के इस पार हमारा घर, हमारी मर्जी, हम जो चाहे मर्जी तमाशा करें, टीवी के आवाज जितनी मर्जी तेज रखें। और तुम्हारी मर्जी तो मैं चाहे तकलीफ ही क्यों ना दे। हाँ दे दे, आपको क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो तकलीफ है ना दीवार के उस पार पहुंच रही है। वहां आवाज नहीं जाती, लेकिन तुम्हारा दर्द तो जाता है। खैर मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि जब अम्मी को पता चला कि तुम्हारे सर में दर्द है तो वो बहुत दुखी हुई है। आप तो खुश है ना? मेरी खुशी अहमियत रखती है तुम्हारे लिए, ये जानता हूं मैं। आपकी खुशी अहमियत रखती है, लेकिन आपकी बातें दिल दुखाती हैं। अगर तुमने मेरी बातों को इतनी अहमियत दे ही दी है तो आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। अब चल रही हो? नहीं।
हाँ जी। अरे कहाँ रह गई थी तुम, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रसम नहीं करोगी? चलो शाबाश, रसम करो जाकर। चलो हाँ भाई, अब तो खुश है ना? ले आया आपकी चहेती को। बहुत खुश हूँ, वैसे भी मेरा बेटा हमेशा मुझे खुशी ही देता है।